आज हम TDA 2030 IC का होम थिएटर सर्किट बोर्ड, जिसका नाम है 2.1 होम थिएटर सर्किट बोर्ड, इसकी आज हम वायरिंग सीखेंगे और आपके सारे सवाल मैं इसी वीडियो में दे दूंगा। ये कैसे काम करेगा या फिर इसकी वायरिंग कैसे की जाएगी, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। ज़्यादातर सभी 2.1 होम थिएटर के सर्किट बोर्ड पर ऑलरेडी प्रिंट किया गया होता है कि इसमें हमें कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट किया जाता है। 2.1 होम थिएटर का सर्किट बोर्ड जो है उसका साउंड जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इसके अंदर आप खाली 3 इंच के छोटे छोटे स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हो और 2 स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो 3 इंची के, और वूफर जो है 4 इंची या फिर 6 इंची, 5 पॉइंट ऐसा कुछ इंच होता है, वो पूरा 6 इंची नहीं आता। फिलहाल मेरे पास वूफर है, मतलब कि सब वूफर है 4 इंचेस का, और यहाँ पर हमें ट्रांसफार्म का सप्लाई देना होगा। 12012 का ट्रांसफार्म है 2 एम्पियर का। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एम्पियर या फिर 3 एम्पियर का आप ले सकते हो मिनिमम। साउंड क्वालिटी इससे अच्छा होगा, 1 एम्पियर में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन फिर भी वो भी चल जाएगा। अगर आप सोचते हो हम इसमें 12 वोल्टेज पावर सप्लाई से चला लेंगे किसी भी बैटरी या फिर एडाप्टर से, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इसीलिए फिर हमें इसमें ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना होगा। ट्रांसफार्मर वो भी 012 का भी एक ट्रांसफार्मर आता है, वो भी कनेक्ट करना नहीं जमेगा। वूफर में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो आपको उसी प्रकार से बोर्ड में सब वूफर के दोनों वायर कनेक्ट करना होगा। उसमें बोर्ड में कैसा पेंट हुआ रहता है पहले से, दो नो स्पीकर जो है किस तरह से हमें इसमें 2-3 ही वायर आपको मिलेंगे बोर्ड में से, लेकिन 2 स्पीकर कनेक्ट करने का वो भी मैं आपको तरीका इसमें दिखाऊंगा। सबसे पहले जो बीच वाला वायर है उसे हमें, वो होगा ग्राउंड, वो कंपलसरी ग्राउंड होता है पहले से, और जो बाकी के जो दोनों वायर होते हैं वो लेफ्ट और राइट, आपको स्पीकर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव देखकर देना होगा। स्पीकर पर लिखा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव किस साइड में है, फिर आप देख सकते हो स्पीकर को मैंने किस तरह से कनेक्ट किया है, और जो एक वायर बचा है उसे हम कॉमन कर देंगे दोनों स्पीकर को। जो हमने स्पीकर में वायर्स कनेक्ट किए हैं दोनों स्पीकर में, और वूफर में भी वायर कनेक्ट किए हैं, ये जो कनेक्टर होता है ये ऑलरेडी इसी के साथ फ्री में मिलता है। इसके बाद हम बेस और ट्रेबल के लिए एक पोटेंशियोमीटर, 2 पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे। आप इसके अंदर 50K का पोटेंशियोमीटर यूज़ करो या फिर 47K का, या फिर अगर ऑलरेडी आपको पता है फिक्स कौन सा यूज़ करना है आप वो भी कर सकते हो, जैसे कि 100K का, या फिर मैं वैसे 50K का आप यूज़ करो। ऑडियो इनपुट के लिए भी इसमें होते हैं लेफ्ट और राइट और ग्राउंड, तो फिर बोर्ड में भी हमें उसी तरह से इसमें ऑडियो इनपुट देना होगा। मैं अभी ऑक्स केबल के थ्रू मैं इसमें लाइन दे रहा हूँ, यानी कि इनपुट दे रहा हूँ ऑडियो। इसके अंदर एक 7805 की एक IC होती है, वहाँ से पावर सप्लाई मिलता है आपको 5 वोल्टेज का ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए, जो कि वो ब्लूटूथ रिसीवर होता है, लेकिन फ़िलहाल मैं वो कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब ये हमें लाइन मैंने कनेक्ट कर दिया है ऑक्स केबल, और ये हमारा ट्रांसफार्मर है, बीच वाला है रेड वाला जो है वो है 0, बाकी का है 12 12 दोनों है, और बीच वाला 0। TDA 2030 IC का एम्पलीफायर बहुत ही अच्छा होता है, और सभी ऐसा बात नहीं है कि खाली यही अच्छा है, इसके जगहों पे 44 40 IC भी है, और भी सारे ढेर सारे एम्पलीफायर के बोर्ड होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खाली यही अच्छा है, और भी एम्पलीफायर्स बहुत अच्छे हैं, मैं भी यूज़ करते रहता हूँ और मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ पहले से ही, तो फिर मुझे भी ये भी अच्छा लगा और भी अच्छे ही लगते हैं सब, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में मैंने 220 वोल्टेज दे दिए हैं, इसमें थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, जो कि वॉइस मैंने इसमें का कट कर दिया है पहले से, तो फिर इसमें नॉइस आ रहा है, कोई बात नहीं है। इसमें जैसे ही आप ऑक्स केबल जो है मोबाइल में कनेक्ट कर दोगे,
ये नॉइज़ जो है वो अपने आप गायब हो जाएगी। चलिए फिर अब मैं इसमें सॉन्ग प्ले करता हूँ। ये अब एक्टिव हो चुका है, इसमें सॉन्ग हम लोग अब प्ले कर सकते हैं। मैं NCS सॉन्ग प्ले करूँगा, हिंदी सॉन्ग मैं प्ले नहीं कर सकता। बहुत से लोग तो बोलते रहते हैं हिंदी सॉन्ग बजाकर बताओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, यही मैं बजा सकता हूँ। सबवूफर का साउंड रिकॉर्ड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मुझसे नहीं हुआ और सबवूफर का साउंड मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता इसीलिए। इसकी साउंड क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई। और वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूँ आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके और उसके बाद ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो फिर चलिए मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में।